हेलो हमारे जो यूट्यूब फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पटना की आशा में। आज मैं देखिए आपको बूंदी कढ़ी की रेसिपी दे रही हूँ फ्रेंड। बूंदी कढ़ी कैसे बनाएं बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बतला रही हूँ। देखिए पूरा वीडियो वॉच कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब देखिए क्या करना है फ्रेंड, ये बेसन है, कुछ बेसन ले लें। इस तरीके से आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से बनाइए, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जितना ज़रूरत हो आप उतना बेसन लीजिए। और ले के देखिए क्या करना है, इसे एक बर्तन में इस तरीके से ले लें और उसके बाद इसे मैं इसका एक अच्छी तरीके का घोल तैयार करूँगी। घोल तैयार करने से पहले फ्रेंड मैं इसमें कुछ मसाला भी डालूँगी, उसे ध्यान से देखिए। ज़्यादा कुछ मसाला नहीं है, घर में जो जनरल मसाला हम यूज करते हैं फ्रेंड, मैं उसी से आज आपको बताने वाली हूँ बूंदी कढ़ी की रेसिपी। देखिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैं हाफ चम्मच हल्दी पाउडर यूज कर ले, हाफ चम्मच मैं इसमें मिर्च पाउडर यूज करूँगी। ये सब मसाला जो है फ्रेंड ये डाल के नमक थोड़ा सा ले लें, स्वाद में अनुसार थोड़ा सा लाइट नमक का ही यूज कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करना है। घोल देखिए फ्रेंड ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा बनाऊंगी जिससे हमारा बूंदी बहुत अच्छा तरीके से बनके तैयार हो। और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, जब आप इसका घोल बना लीजिए तो थोड़ा देर इसे रेस्ट में दीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट इसे छोड़ना होगा, जिससे कि आपका बेसन जो ये घोल बनाऊंगी ये बहुत अच्छी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा देर इसे बना के घोल बना के छोड़ चुकी थी फ्रेंड, इससे क्या होगा कि ये घोल बहुत अच्छा तरीके से आपका थोड़ा तैयार हो जाएगा बनने के लिए। अब मैं ये देखिए ये मसाला है, मसाला मैं क्या ली हूँ, आप टमाटर ले लीजिए 2 या 1 जो आपके पास हो, लेकिन टमाटर ज़रूर लीजिए। इसमें थोड़ा सा 10 से 12 कली लहसुन का लेना है, 1 हरी मिर्च लेना है। बस इस सबको क्या करना है फ्रेंड, आप पीस दीजिए मिक्सी में। अब पीसने के बाद क्या करना है, मैं इसमें हल्का सा हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर हाफ हाफ चम्मच डालना है। करी है फ्रेंड तो ज़्यादा मसाला का यूज नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा मसाला यूज करने से क्या होता है, करी में गला में जलन जैसा होने लगता है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। करी थोड़ा हमारा लाइट होना चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए करी में। अब ये देखिए ये जो मैं टमाटर पीसी हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका करी का जो टेस्ट होगा बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा सा खट्टा खट्टा जैसा टेस्ट आएगा और अच्छा लगेगा। बहुत तरीके का कढ़ी बनता है फ्रेंड, मैं आज आपको बूंदी कढ़ी का रेसिपी दी हूँ। इससे पहले भी मैं कढ़ी का एक रेसिपी डाली हूँ, राजस्थानी कढ़ी, वो भी आप हमारा वीडियो जाके देखिएगा, वो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान तरीके से बताती हूँ, जो कि आप लोगों को बनाने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। अब ये देखिए क्या करना है फ्रेंड, बूंदी बनाऊंगी पहले मैं, तो बूंदी के लिए मुझे पहले कढ़ाई चढ़ा के उसमें मैं तेल डालूंगी। और तेल जब आपका पूरा गर्म हो जाए, तेल आपका हीट होना चाहिए फ्रेंड। अब देखिए क्या करना है, ये छनोटा है जिससे कि हम पूरी उरी तलते हैं, उस ले लें और उसी से हम इसे इस तरीके से ऊपर से देते हुए देखिए हमारा इसमें बूंदी बन के तैयार हो जाएगा। ये कढ़ी क्या होता है फ्रेंड, ये थोड़ा सा मीला जैसा बनता है एक बराबर, तो बहुत देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा टेस्ट इसका थोड़ा अलग हो जाता है, टेस्ट अलग कैसे होता है, जो मैं इसमें टमाटर डाली हूँ तो टमाटर से क्या होता है कि आपका कढ़ी का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, तो थोड़ा अच्छा अलग थोड़ा फ्लेवर अलग हो जाता है, तो अच्छा लगता है। ऐसे भी अभी पर्व है, पर्व कीजिए, उसके दिन दूसरे दिन तो लगता नहीं है कुछ खाने का, तो आप कढ़ी चावल आराम से बना के खा सकते हो। तो बहुत अच्छा तरीके से मैं कढ़ी का रेसिपी दी हूँ, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से देखिए फ्रेंड ये हमारा बन गया है, थोड़ा सा ये जो एक सट सट गया है फ्रेंड, उसको क्या करेंगे जब मैं निकालूंगी तो फिर ये देखिएगा बहुत अच्छा तरीके से अलग अलग हो जाएगा और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। थोड़ा सा इसे पकने दीजिएगा फ्रेंड, जब हल्का सा रेड कलर हो जाए तो इसे निकाल देना है आपको। सारे बेसन का इसी तरीके से मैं बूंदी बना लूँगी, बूंदी बनाना है और उसके बाद मैं इसका कढ़ी, फिर इसका ग्रेवी कैसे बनाऊंगी सो भी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड।
देखिए वो बूंदी मैं बना ली हूँ। अब मैं ये इसका आपको ग्रेवी बताऊंगी। तो ग्रेवी के लिए पहले आप इसमें तेज़पत्ता डालिए, और उसके बाद क्या करना है, 1 चम्मच जीरा डालिए फ्रेंड। जब आपका तेज़पत्ता हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसमें मैं जीरा डालूंगी, और जब जीरा हमारा अच्छी तरीके से चटक जाएगा तो फिर मैं इसमें, अगर आप कढ़ी पत्ता यूज करते हो तो आप कढ़ी पत्ता डालिए, अगर है आपके पास तो कढ़ी पत्ता भी डालिए। और उसके बाद क्या हो, जब जो मैं मसाला तैयार करके रखी हूँ उसे डालना है इसमें डायरेक्ट। इसमें प्याज मैं नहीं डाली हूँ फ्रेंड, प्याज नहीं यूज कीजिएगा। डायरेक्ट इसी तरीके से मसाला, जो जो भी मसाला यूज कीजिएगा उसे पीस के ही यूज करना है। अभी से देखिए मैं मसाला डाल दी हूँ, मसाला भी हमारा कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्का ही मसाला। कढ़ी जब भी बनाए फ्रेंड मसाला हमेशा लाइट यूज कीजिए, हल्का मसाला से ही कढ़ी आपका बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। अभी मसाला मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा मसाला मैं इसे टाइम दूंगी क्योंकि इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसे बहुत अच्छा तरीके से भूनना है, मसाला आपका अच्छा रेडी होना चाहिए तब जाके आपका कढ़ी अच्छा बन के तैयार होगा। अब देखिए मसाला में मैं क्या करूँगी फ्रेंड, 2 से 3 चम्मच दही डालूँगी। दही डाल दीजिए, और दही डालने के बाद इसको इस तरीके से चलाना है, पूरे मिला दीजिए। मैं अभी भी दही डाली हूँ फ्रेंड, और जब मैं फिर इसका ग्रेवी जो बना के तैयार करूँगी, इसका जो मैं कढ़ी बना के तैयार करूँगी फ्रेंड, उसमें भी मैं दही डालूँगी। इसमें क्या होता है कि मैं पहले मसाला में भी कढ़ी डाली हूँ और फिर मैं ऊपर से भी कढ़ी डालूँगी। कढ़ी बनाने का बहुत सारा तरीका है फ्रेंड, मैं ये एक दूसरे तरीका आपको बतला रही हूँ नए तरीके से कि आप कैसे बनाओ। अब बना के देखिए, कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा ही बनेगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा ही होगा, भरपूर होगा। इसका टेस्ट कैसा होगा, थोड़ा सा खट्टा खट्टा जैसा होगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा बूंदी बन के तैयार है। इस तरीके से इसका सारा बूंदी बना के देखिए फ्रेंड मैं रख चुकी हूँ एक प्लेट में। अब जब हमारा वो कढ़ी बन के तैयार हो जाएगा तब फिर मैं उसमें ये बूंदी जो बना के रखी हूँ उसे डालना है। जब आपका बहुत अच्छी तरीके से इसका जो कढ़ी बन के तैयार हो जाए, इसमें नमक जो भी डालना हो आप स्वाद के हिसाब से नमक ले सकते हैं। आप कितना पानी यूज कीजिएगा फ्रेंड उसी हिसाब से आप इसमें नमक डालिए। और उसके बाद देखिए जब हमारा मसाला भुन जा चुका है, लगे कि भुना गया है, तेल आपका दिखने लगे, समझिए आपका मसाला तैयार है। तो आप, मैं इसमें क्या करूँगी, पानी डालूँगी। पानी आप अपने हिसाब से लीजिए जितना यूज करना हो, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है फ्रेंड, जिससे कि बहुत पतला हो जाए, पतला अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी, पानी थोड़ा सा हल्का सा पानी जो बनी डालना है फ्रेंड, उसमें आप 1 से 2 चम्मच थोड़ा सा बेसन अगर घोल लें तो वो और भी अच्छा होगा, उससे क्या होगा आपका बहुत अच्छा गाढ़ा बन के तैयार होगा। तो मैं बेसन 1 चम्मच डाल के इसका घोल तैयार की थी, 1 चम्मच बेसन डाल के इसका घोल तैयार कीजिए। अब इसे क्या करना है, चलाने का कोई झंझट नहीं है, जैसे कि हम बड़ी कढ़ी बनाते हैं फ्रेंड तो उसमें क्या होता है कि हमको चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो वो बेसन जो होता है वो बैठ जाता है। तो इसमें उस तरीके का कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं बेसन बहुत ज़्यादा यूज नहीं की हूँ, मैं 1 ही चम्मच है। तो आप इसे चाहें तो आराम से इसे पानी डाल के ढक दीजिए, और ढक के इसे बहुत अच्छा तरीके से इसमें उबाल आने दीजिए। और उबाल जब आ जाए उसके बाद आप गैस पे बना रहे हो या इंडक्शन पे बना रहे हो, जो भी जिस पे भी बना रहे हो उसको बंद कीजिए, और जब भी हल्का सा ठंडा हिस्सा होने लगता है तब जितना बूंदी बना है वो इसमें डाल दीजिए। हल्का मैं इसे बंद की हूँ ढक्कन, ढक्कन डाल के अब मैं इसको फिर देखिए इसका उबाल आने के लिए छोड़ी। ये देखिए इस तरीके से आपका उबाल आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसन आपका गाढ़ा भी नहीं होगा, अब बहुत अच्छा आपका बन के तैयार होगा। कढ़ी बड़ी बनाने का तरीका अलग है फ्रेंड, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब मैं देखिए ऊपर से भी थोड़ा सा कढ़ी इसमें 2 से 4 चम्मच घोल ली पानी में, और उसके बाद इस तरीके से आप डाल दीजिए। अब जितना बूंदी बनाई हो फ्रेंड उसे भी इसमें डालना है। देखिए इस तरीके से आप आराम से मिलाते हुए चारों तरफ से डालें, और इंडक्शन जो है आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर गैस पे बना रहे हो तो चाहे इंडक्शन पे, जिस पे भी बनाए फ्लेम थोड़ा सा कम कर दीजिए। उसके बाद सारा बूंदी डालिए, और डालने के बाद फिर मैं इसे 5 मिनट के लिए इसे तेज करके थोड़ा सा छोड़ूंगी कि बहुत अच्छी तरीके से पक जाए हमारा। और पक जाने के बाद आपका कढ़ी बूंदी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगा।
हल्का सा ऐसे मिला दीजिए इस तरीके से। देखिए अभी देखने में ये लग रहा होगा आपको पतला, लेकिन जब ये बनने, मैं अभी थोड़ा देर इसे और बनाने वाली हूँ, जब ये और अच्छा तरीके से बनेगा तब देखिएगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में तो खैर लाजवाब लगेगा ही फ्रेंड। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा देर इसे ढक के ही छोड़ देना है जो आराम से ये बने, और उसके बाद जब ये 5 मिनट में इसे अभी पकने के लिए इस तरीके से छोड़ूंगी फ्रेंड, और उसके बाद मैं इसे क्या करना है, जब आपका लगे कि हो गया है तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसका किसी दूसरे बर्तन में इसे आप सर्व करके दिखा सकते हैं। देखिए ये हमारा कितना अच्छा तरीके से बन के ये करी, बूंदी करी तैयार है। बूंदी डालने के बाद भी मैं इसे कितना अच्छा इसमें उबाल दी हूँ, जिससे कि ये देखने में भी बहुत अच्छा बन के तैयार हो, गाढ़ा भी हो। देखिए फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर, कितना अच्छा कलर इसका बन के तैयार हुआ है, एकदम मिला हुआ बना हुआ है। देखिए कितना अच्छा, ये अभी और जो थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब बहुत अच्छा बन के खट्टा मीठा तैयार हुआ है, मीठा तो नहीं कहेंगे फ्रेंड, खट्टा ज़रूर कहेंगे, खट्टा है, थोड़ा सा खट्टापन आता है टमाटर डालने के कारण, इस कारण इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कोई बाहर मसाला यूज नहीं की हूँ, जो घर का सामान है उसी से बताई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। बन के आपका तैयार है बूंदी करी, कैसा लगा आपको रेसिपी आज का फ्रेंड? फिर मिलती हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।